असम में उग्रवादी संगठनों के साथ शांति कायम करने की ओर कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार 8 आदिवासी उग्रवादी संगठनों से समझौते के लिए तैयार है। गुरुवार को दिल्ली में होने वाले इस करार को आदिवासी समझौता नाम दिया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इन 8 आदिवासी उग्रवादी संगठनों ने साल 2012 में केंद्र सरकार के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था। हालांकि पूर्वोत्तर के सलाहकार एके मिश्रा के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों और संगठनों के साथ पिछले 6 महीनों में हुई बातचीत के बाद समझौते के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। शांति समझौते के लिए आगे आए इन संगठनों में आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम, बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल असम आदिवासी नेशनल आर्मी, संथाल टाइगर फोर्स समेत 3 अन्य संगठन भी शामिल हैं। और इस दौरान करीब 1200 कैडर मुख्य धारा में लौटेंगे। जानकारी के अनुसार इन संगठन को असम में आर्थिक सहायता के साथ ही अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बड़े कदम पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने प्रतिक्रिया जताई है। কালি আদিবাসী বিদ্রোহী সংগঠনসমূহৰ লগত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ ডিমাচা বন্ধুসকলৰ লগত থাকি যাব। তাক বাদ দি মোটামুটি আমাৰ সকলো বিদ্রোহী সংগঠনৰ লগত এক প্ৰকাৰ শান্তি চুক্তি হৈ যাব।